कंप्यूटिंग में ना कुछ एडवांसमेंट्स हुई हैं ओवर रिसेंट ईयर्स आप देखें अमेजोन एजर एंड सारी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है um, एक इसमें एडवांसमेंट हुई है और सिमिलरली आपकी कुछ अलग में एडवांसमेंट हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड mm सो -hmm. so, जो डी फेक है इट इज़ बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट अलाउज़ यू के टू क्रिएट फेक वीडियो और ऑडियो समबड़ी Mm -hmm. uh, जिसको एक नॉर्मल uh, पर्सन जो है ना इज़ वेरी डिफिकल्ट विदाउट यू यू नो नो एंड विदाउट विदाउटेल फॉरजिक एनालिसिस या केयरफुल ऑब्जर्वेशन के आप ही बता सकें कि ये बंदे की जेन्यन वीडियो है या नहीं है यानी इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी में जो है वो प्रोड्यूस mm -hmm. हो रही है एंड सो द रीजन वाई हमने देखा है कि ये डीप फेक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है इन रिसेंट ईयर्स इज इज दैट देर आर टूल्स देर आर एप्लीकेशंस दैट अलाउ एनी बडी टू क्रिएट डीप फेक ऑडियो और डीप फीडियो एंड इज जस्ट अ गूगल सर्च अवे राइट एंड सो इसकी वजह से जो है पीपल देर आर पीपल देर आर यू नो अटम्प्टू मिस यूज़ इट राइट अच्छा इसकी वजह से uh, एक इशू ये भी आ रहा है कि जिन लोगों की जेनुन वीडियोज़ भी आ रही हो लीक होती हैं यू नो सेब्रिटीज़ की या किसी पॉलिटिशन की तो भी कहना शुरू कर देते हैं कि डीप फेक है एंड आई एव सीन के ट्विटर के ऊपर फेसबुक के ऊपर जब भी कोई इस तरह की चीज़ आती है तो लोग यू नो पहले ही ट्रूथ जो है ना वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता यू नो हाफ ट्रूथ डिस इन्फॉर्मेशन प्रोपागैंडा जो है इट्स वेरी ईजी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर करें और फिर साथ ही जब ये डीप पेक जिस तरह की चीज़ें आ जाती हैं एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू नो समी टू एनलाइज द डिफरेंस बिटवीन यू नो ट्रूथ एंड फॉल्स हुड ट्वेंटी सेवनटीन में मिशन मिशन इम्पॉसिबल उस वक्त शूट हो रही थी उसमें ही एड मस्ट एच एट द सेम टाइम सुपर मैन में उसको मस्टैच नहीं रखनी थी तो उसने किया ये कि उस वक्त सी जी आई को इस्तेमाल किया गया उसकी मस्टैच रिमूव करने के लिए बट समी यू नो वि फाइव हंड्रेड ऑलर कम्प्यूटर उसने उसकी उससे बेहतर बगैर मस्टैच के डीप फेक पिक्चर जो है ना पोस्ट कर दी एनसो एंसर योर क्वेश्चन आपको जो करंट इस पर टेक्नोलॉजी है या जो करंट अलगोर्थम्स हैं उसके लिए यूनिट एक्सिस टू यू नो वाइड रेंज ऑफ पिक्चर्स जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगे उतना बेहतर डीपेक बनेगा जितनी ज़्यादा एंगल्स में पिक्चर्स होंगे उतनी बेहतर डी फेक जो है ना यू नो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड जो ट्वेंटी ट्वेंटी में मेरे पास एक केस आया था फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपोजर था इन आर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी बैकमेल क्या था एंड सो सम बड़ी अप्रोच हर ऑन इंस्टाग्राम और उसने एक लिंक भेजा टू अ वेबसाइट और उसमें यू नो इट हैड यू नो हर डीप फेक और उसमें उसने क्या किया होता है कि पॉन स्टार से उसके फेस को रिप्लेस किया हुआ था एंड सो जब इन्वेस्टिगेटर्स के पास यू नो एक वीडियो प्रोड्यूस की गई डीप फेक वीडियो एंड सो जब हमारे पास वो केस आया एंड सो देर अदर इन्वेस्टिगेटर्स यू नो लॉ इन्फोर्समेंट जो उसको इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड सो दे कन्फ्यूज कि वाकई ही कोई यू नो डीप फेक है या फेक वीडियो है या ये लेजिटमेट है और यू नो बेसिकली शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू प्ले एंड सो जब हमने इसका एनालिसिस किया एंड वी केम टू नो कि यू नो इट्स अ डीप फेक एंड इट वॉज़ सो रियलिस्टिक एंड जो उसके बाद जब हमने एनालिसिस किया एंड इन यू वॉज डिमांडिंग पेमेंट उसने एक ईजी पैस इजी पैसा का जैस कैश का एक नंबर उसने भेजा हुआ था कि एनलेस एंड एंडली डोंट सेंड टेन थाउजेंड रुपीज़ मैं आपको उस पर स्क्रीन शॉट्स भी प्रोवाइड कर लूँगा ताकि आप इज पार्ट ऑफ बी रोल आप इसको लोगों को ऑडियंस को दिखा सकें एंड सो दस हज़ार रुपये वो मांग रहा था एंड जब हम उसकी वेबसाइट पर गए एंड यू फाउंड अ डायरेक्टली लिस्टिंग और उस पर हमें पता चला कि देर ओज अ टेक्सट देर वज़ अ फाइल जिसमें इट हैड लिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स राइट तो वो उसने वो कर ही रहा था कि एक यूटिलिटी थी ऑनलाइन एक टूल था uh, जितनी भी इंस्टाग्राम की पब्लिक प्रोफाइल्स थी ना खुवात की उससे क्या करता था कि पिक्चर्स उठाता था एंड उसके बाद उसकी डीप पे क्रिएट करता था एंड उनको एक और एक मैसेज भेज दिया जा, भेज देता था कि जी अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं की तो हम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में इस चीज़ को पब्लिक कर देंगे राइट एंड सो देन वी फाउंड आउट उसकी आइडेंटिटी हमने यू नो फिगर आउट इज आइडेंटिटी उसने किया एक उसी फोल्डर में ही ना वेबसाइट की फोल्डर में उसने अपना सी एन आई सी भी रखा हुआ था एंड कैश पेमेंट एंड स्टफ एंड सो दैट वॉज माई नो फ एक्सपोजर टू द डीपेक रीसेंटली जलेंसकी जो कि यूक्रेन का प्रेजिडेंट है तो पहले क्या हुआ कि पहले व्लाडिमिर पुटिन की एक डिपेक uh, आई जब यह सारा रशिया का सारा टर्न हुआ और उसके थोड़े टाइम बाद uh, अच्छा उसमें व्लाडमिर पोटन ने कहा कि जी वी आर गोइंग फॉर पीस पीसम वी नॉट गोइंग फॉर द वॉर और लॉट ऑफ पीपल लोग इसको स्प्रेड करते हैं यू नो स्टॉक्स में बेनिफिट लेने के लिए hmm. मुझे लग मेरा ये ख्याल है कि वो स्टॉक्स स्टॉक मार्केट क्योंकि ऑब्वियसली यू नो वॉर की जो न्यूज़ आती है तो उससे स्टॉक मार्केट नीचे जाती है एंड सो लोग इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके जो यू नो दे ट्राई टू मेक प्रॉफिट ऑफ द सिचुएशन और उसके रिस्पॉन्स में एक जेलेंसकी की एक डीप फेक वीडियो बनाई गई यू नो एलर्जी किया जाता है कि रशिया ने वो बनाई एंड सो so, उसमें जेलेंस की ये बता रहा था कि जी आ, अपने जितने भी आर्मी हैं सोल्जर्स हैं आ, उनको ये मैसेज दे रहा था कि जी आप हथियार डाल दें और हम जो हमने सरेंडर कर लिया लिए so, इस तरह की चीज़ें जो है ना भी होते होती रही हैं अच्छा फिर यू you नो know, इसके यू नो अदर एंगल भी है यू नो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी नॉट इनहेरेंटली गुड एंड बैड इट इज़ द यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी राइट एन फेस वैल्यू है आपकी ख्वाहिश है कि आपके जाने के दुनिया से गुजर जाने के बाद भी आपकी फैमिली आपके बच्चों को आपकी नेक्स्ट कमिंग जनरेशन को उसका बेनिफिट होता रहे एंड सो so, आप एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दे आर अलाउड टू प्रोड्यूस डीप फेक ऑफ यू इवन आफ्टर डेथ एंड सो उसकी रॉयल्टी होगी वो आपकी फैमिली को मलेरी होगी सो यू नो देू नो सर्टन पॉजिटिव साइड्स टू इट अच्छा डेविड बैकम उसने मलेरिया के की कैंपेन की इन नाइन डिफेंट लैंग्वेजेस ठीक है एंड देट वॉज नो वी आर डीप फेक है ओबियसली डेविड बैकम जो है um, um, बहुत बड़ा बड़े सेलब्रिटी हैं यू you नो know, बहुत दुनिया में नाम है यू नो पीपल अराउंड द वर्ल्ड लुक अप टू हम एंड सो so, इसका मैसेज जल्दी स्प्रेड होता है तो यू नो दे लाइक क्लियरली विजिबल आप बता सकते थे कि जी ये फोटोशॉप हुई है, you know. uh, हुई है यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एडवांसमेंट्स हुई हैं एंड स्पेशली जब ये कंप्यूटिंग यू नो यू नो यू कैन एक्सेस चीप कंप्यूटिंग थ्रू एमेज़ॉन ए डब्ल्यू एस सर्विसज एजियो गूगल क्लाउड इसकी वजह से क्योंकि आपको ना इस तरह की डिफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एंड सो so, प्रोसेसिंग पावर हैज़ नॉट बी एशू पहले प्रोसेसिंग पावर जो है ना बहुत इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एनसो so, उसका जो एल्गोरिथम का जो ब्रेक थ्रू था जैसे जेनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क कहते हैं ये जो ब्रेक थ्रू था अर्ली 2014 में ना स्टार्ट हुआ एंड सो so, उस वक्त इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही थी नॉर्मल लोग उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे क्योंकि यू नो इट यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग और उसमें mm. आपको सर्विस चाहिए होते थे एंड नॉट एवरीबडी हैड एक्सेस टू इट अब प्रॉब्लम यह है कि अब यू नो यू नो यू गॉट ऑल दीज क्लाउड जिस पे आप अपनी डीप फेक मॉडल को आप ट्रेन करवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ में हुई है दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एज वेल एज़ यू नो के कंप्यूटेशन पावर सी की पावर यू नो रैम वगैरह जो है ना दे हैव गॉट अलॉट सी बट इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ यू नो ग्लोबली उसकी प्राइमरली वजह यह है कि अगर आप ये देखते हैं कि कोई नॉर्मल पिक्चर है अगर मैं कोई एक पिक्चर लगा दूं जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि बच्चे जो है ना वो यू you नो know, Uh, उनसे उनका घर जो है ना वो यू नो दे लॉस देयर होम एंड यू नो देर होमलेस एंड आर स्टार्विंग या मैं एक बच्चे की पिक्चर लगा दूँ सोशल मीडिया के ऊपर यू नो उसकी माँ उसको गोद में उठाए रखी एंड यू नो शीज़ शीज़ क्राइंग एंड बिकॉज़ उसके पास कोई यू नो सर्विस अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल नहीं है एंड अगर मैं ये कहूँ कि ये इस सर्टेन एरिया में अफगानिस्तान में फ़लस्तीन में है या ये सर्टेन सिंध के किसी गांव में है ठीक mm -hmm. है या यू you नो know, पन रूरल पंजाब में है कहीं है किसी जगह पर या बलूस्तान में फॉर देट मैटर सो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये जेन्यून है या नहीं है अच्छा इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर झूठ और यू you नो know, बड़ी रवानी के साथ फरवानी के साथ जो है ना बोला जा रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर आप उसको वैलिडेट नहीं कर पाते राइट या तो ऐसा मैकेनिज्म हो कि आप उसको वैलिडेट कर सकें एंड देन यू नो आप सोशल मीडिया पे ऊपर जिससे बात कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या मुझसे फेसबुक पे बात कर रहे हैं यू आर नॉट लुकिंग एट मी राइट एंड यू नॉट लुकिंग एट माई फेस आप यू इन पर्सन बैठा हुआ हूँ एंड सो हाउ डू यू नो कि जो ये वर्चुअल आइडेंटिटी उसकी बैंड मैं हूँ या नहीं या कोई और है या हाउ डू यू नो इफ सम बड स्टेक इन और माई आइडेंटिटी जब ये नॉर्मल कॉन्टेंट को डिटर्मिन करना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल के दौर में तो मुझे बताया कि जब डीप फेक लोगों की आना स्टार्ट होंगी ठीक mm -hmm. है तो उसके उसको आइडेंटिफाई करना कितना डिफ़िकल्ट है एंड जब मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी की बहुत दोनों साइड्स हैं राइट पॉजिटिव एस्पेक्ट है नेगेटिव right? एस्पेक्ट भी है यू you नो know, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं फॉर श्योर यू नो गैबोन में गैबोन जो प्राइम मिनिस्टर uh, है प्रेजिडेंट है अली बोंगो ही ही गॉट सिक एंड इन 2018 एंड सो ही वाज नॉट सीन ऑन द टीवी एंड ही वाज नॉट सीन ऑन द मीडिया स्पेक्टेड दैट इज डेड एंड एन सो जब यह खबर जब फैली तो उन्होंने क्या किया कि अली, अली बोंगो की जो प्रेजिडेंट था उसकी एक उसमें अच्छा हुआ यह था कि उसको स्ट्रोक हुआ था जिसकी वजह से उसका जो फेस का जो यानी आई की मूवमेंट थी वो डिफरेंट हो गई तो थी लोगों ने कही फेक है एन सो so, उसे मिलिट्री को हो गया मुल्क के अंदर द वेरी नेक्स्ट द वेरी नेक्स्ट वीक राइट इज बाद पता चला कि नहीं जी ये इसकी डीप फेक नहीं है ये जेन्यून वीडियो है उसके बाद वो उसने आके लोगों को एड्रेस करना स्टार्ट किया राइट माय पॉइंट इज कि इंटरनेट पे क्या सच है क्या झूठ है इसको डिटर्मिन करना बड़ा डिफिकल्ट है आप एक वीडियो देखते हैं फेसबुक की यू नो फॉर इंस्टेंस हमारी वीडियो है इस पर यूट्यूब पर मेरे मुतल सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव कॉमेंट्स देखेंगे नो मैटर हाउ गुड द कॉन्टेंट इज़ राइट तो एक इन प्राइमर फिशी परसेप्शन क्या होगा आपका आपका परसेप्शन यही होगा ना कि जी ये इसने कोई लाजमी बात है कि इसने कोई ऐसी बात की है कि सारे लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं राइट या कोई फेसबुक वीडियो आती है इसमें आप देखते हैं कि किसी ने कमेंट किया हुआ और उसके लाइक्स बहुत ज़्यादा है उस कमेंट के तो उसका मतलब इसने बड़ी जबरदस्त बात की इवन दो कि आप उससे एग्री कर रहे हो या नहीं करें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज़ वर्ल्ड कि आप सोशल मीडिया के ऊपर सच किया है झूठ किया उसको डिफ्रेंशिएट करें और डीप फेक इज़ ऑनली गोइंग टू मेक थिंग्स वर्क राइट बट जैसा मैंने बताया इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आपके सामने हैं इंडिया में एक पॉलिटिशन है मनोज तिवारी फ्रॉम बीजेपी उसने कैंपेन करनी थी एंड सो so, उसने पाँच उसने क्या कि अपनी ऑडियन वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद उसने एक प्रोडक्शन हाउस को दी उन्होंने उसने डीप फेक प्रोड्यूस की और उन्होंने पाँच मुख्तलिफ लैंग्वेज़ के अंदर जो है वो डी फेक उसने रिकॉर्ड करवाई एंड सो दर इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट दर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट टू इट अच्छा अब जो आपने सवाल किया डेवलप्ड कंट्रीज़ का एंड सो डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सबिलिटी प्लेटफॉर्म को डाल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म एंड दर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च अकेडमी में बहुत सारी रिसर्च हो रही है इसके ऊपर लोग देख रहे होते नॉर्मल के बहुत सारी आपकी पिक्चर्स होती हैं जो कि जिसमें यू नो योर आइज आर ओपन राइट योर आइज आर नॉट क्लोज एंड सो जो ब्लिंकिंग का रेट होता है नॉर्मल ह्यूमन जो पैटर्न है उसमें दो से पाँच से छः सेकंड के अंदर यू नो नॉर्मली आप ब्लिंक कर रहे होते हैं यू you नो know, जब लाइट पड़ी होती है तो आप ज़्यादा ब्लिंक कर रहे होते हैं एंड यू ब्लिंक फॉर लाइक पैरामीटर्स बनाए हैं uh, इसको डिटेक्ट करने के लिए But again, you know, it's very difficult. As things, as more more technological breakthroughs are going to come, it's going to be very difficult. Mm -hmm.